हरियाणा की धरती पर चुनावी रण में उतरे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गज पार्टियों में कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। तो वही बहुजन समाज पार्टी भी हरियाणा में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इसमें कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा के झज्जर में हुंकार भरा और जाटों को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घड़ी अब बेहद करीब है, ऐसे में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार की बात है, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी जाटलैंड में हुंकार दी। झज्जर में बसपा की आयोजित रैली में मायावती ने कहा कि केवल बसपा ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले जाट आरक्षण का समर्थन किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर भी एक के बाद एक कई वार किए। इस लंबी अवधि में भी यहाँ के प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। मायावती ने यह भी कहा कि जब से देश आजाद हुआ है, देश की प्रमुख दोनों पार्टियों ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, लेकिन बसपा ही ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूर और किसानों को साथ लेकर चलती है। बसपा सुप्रीमो मायावती यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पार्टियों के घोषणा पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बसपा कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, केवल काम करती है। वह अन्य जो यहाँ के स्थानीय पार्टियां हैं, इन्होंने जो अपने प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। वैसे आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि तो हमारी पार्टी कहने में बहुत कम, कार्य करके दिखाने में ही है। चुनाव में हर समुदाय का वोट अहम होता है, ऐसे में मायावती के झज्जर में किए गए चुनाव प्रचार का इस विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, ये तो वोटिंग के परिणाम के बाद साफ हो जाएगा। खबरें अभी तक के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।